पीछे आओ, जरा पीछे आ जाओ। नहीं नहीं बंद होना ही चाहिए। पीछे पीछे आ जाओ। आ जाइए भाई, आ भाई। अरे ठहरो। एक चांद बोल के बंदा आया था, पीएस को आके मेरे बोला था, हम खेम हॉस्पिटल में मेरा बेटे को एडमिट करा था। सुबह मॉर्निंग 7:30 को डिलीवरी हुआ, डिलीवरी होने के बच्चा मर्द बच्चा फायदा हुआ, अच्छे से था बोल के डॉक्टर बोले थे। बाद में 9:30 को टाइम पर फिर बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सीरियस है, धुरसा हॉस्पिटल लेके जाओ बोल के डॉक्टर बोले तो वहाँ लेके गए। धुरसा हॉस्पिटल लेने के बाद वो कंसल्ट डॉक्टर देख के बच्चा मर गया बोल के बोले, वही बात मेरे को बोले तो फिर हम मैं वो हॉस्पिटल गए देखे, वो बच्चा तो मर गया है। अब नेग्लिजेंस क्या है बोल के अब इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता ये है केस का वजह। सर बच्चे का फोटो देखे तो जो पहले हॉस्पिटल जो बच्चा पैदा हुआ तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो बच्चे के चेस्ट के ऊपर जलावा दिख रहा है और थोड़ा जलावा स्किन भी थोड़ा उठ के है थोड़ा, और बर्निंग क्या है। अब डॉक्टर का नेग्लिजेंस आपने बता रहे हो, किसका ने किसका नेग्लिजेंस मैं नहीं बोल सकता, मैं एक्सपर्ट नहीं है। अब जो हाँ वो क्या है कि रखने के बाद हुआ बोल के बोला, वो क्या हुआ आपने को नहीं बोल सकता। उसके अलावा एक और एक बेबी है, और एक बेबी और एक बेबी दो जने उसका भी स्किन भी उठ गया है, दो जनों का काला हो गया है। सो एज पर इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता वो केस वो उसके ऊपर हम जो खाना ले खानों के साथ चले। सर ऐसा तो नहीं है कि वो पेरेंट्स अपने जो बच्चा जो जो डिलीवरी हुआ उसको लेके उसके बाद अगर ऐसा इंसिडेंस होता तो पता नहीं कुछ और बात होती थी, लेकिन ये हॉस्पिटल का रेजिस्ट्रेशन हुआ जब वो हीट जो होता है हीटर जो होता है उसमें रखने के दरमियान ये बताया जा रहा है सर, तो उसके बारे में आप क्या रही हैं और अगर इसके ऊपर एक्शन क्या लिया जाएंगे आपके पास। अब एज पर कानून कैसा है वो सब मैं जाता हूँ, वो कानून के साथ मैं इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट करता हूँ। अब तक कम्प्लेंट नहीं दिए। दो चार बेटियां हुई, एक बेटा हुआ अच्छा है बोले, अच्छा है डॉक्टर भी चेक करे अच्छा है इतना नहीं बच्चा, और मैडम भी बोले बच्चा अच्छा है, मैं बुला के बोले मैडम भी बोले 9 बजे के अंदर बाहर हुए, सुबह हाँ 9 बजे के अंदर बाहर हुए, बोले बच्चों को दिया बोले तो नहीं बच्चों को जरा 1 घंटे के बाद देते बच्चों लगाए बोले, 3-4 को देखी दो को देखी तो बच्चा रो रहा था पूरा लंगा था जिसम पे कोई निशान नहीं था, अब पूरा ये सीने पे जला दिए जान पे चढ़े पे पूरा जला गया बच्चा। तभी बात तो भिजा दिए यहाँ से लपाट दिए अंदर को ले लेके गए, दुर्रेश्वर को लेके जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर आ हम कपड़ा खोल के बता के बोले ये क्या भी है ये वजह से बच्चा मरा देखो मैडम जी, बच्चों के डॉक्टर अंदर होंगे उनका नाम नहीं मालूम है, हाँ आए थे हेल्दी बच्चा है बोले, हेल्दी बच्चा है अच्छा बच्चा है बोले, और बच्चों को हमारे को दो बोलो तो एक घंटा कर रहा है खाली, पहले कैसा था बच्चा खाली 1 ही घंटा कर रहे पूरा बच्चे को ऐसा पूरा मार दे के उसके बाद कपड़े में लपेट के आपको दे दे जी, कुछ भी ना बोले आईने में रख के बोले खाली थोड़ी देर रख के देते बोले, तो हम भी समझे भाई हेल्दी बच्चा अच्छा मोटा था आज एक कैच नहीं हमारे साथ और एक बच्चे का भी हुआ एक दवाखाने में जान चली गई वो बच्ची की। बने कितने बने आप पूरे 20,000 बने बोले एडवांस। अलीना मैडम है, अलीना मैडम क्या चाह रही है दवाखाने को सील डाल देना, हमारे को कुछ भी नहीं होना है दवाखाने को सील डाल देना, ये दवाखाना बच्चों की जान लेने के वास्ते है क्या, दवाखाना देख लेना बच्चों की देखभाल ही नहीं कर सकते दवाखाने में, देखभाल ही नहीं होगी दवाखाने में ये तो दवाखाना क्या काम का, आज इतनी मुसीबत से पैसा लाए भाई पैसा बने तो लेते दवाखाने में बने, कुछ बीमारी ना बच्चे को कुछ भी ना क्या भी नहीं कुछ भी ना थी ना तो मैडम चाचा की तबियत खराब थी ना तो बच्चे की तबियत खराब थी, अच्छे खासे ने बच्चे हुए तो मंगल के दिन ऑपरेशन करते पीर के दिन शरीक कर लिए करके ऑपरेशन करके ये लगाते वो लगाते बोल के 1 घंटे में देते बोल के बच्चे को बस जला दिए लपट के दे दिए Women's wear, men's wear, kids wear,
मेंस टेक्सटाइल्स। निखार मेहंदीपत्रम पत्रगटी चोरी चौकी हैदराबाद।